अमेरिका में होने वाली है और देखिए इसका रब ऑफ इफेक्ट इस समय एशियाई मार्केट्स पर और हांगकांग के बाजारों में करीब करीब पौने 200 पॉइंट की शानदार तेजी। एसजेएक्स निफ्टी भी संकेत दे रहा है कि गुजरात के इलेक्शंस तो हो गए पूरे और अब फोकस रहेगा बजट पर और तेजी के साथ आज फिर से शुरुआत होने वाली है। 10,400 के ऊपर आज निफ्टी खुलने की तैयारी करता हुआ, तो शानदार संकेत नीरज। बिल्कुल, और जिस तरीके से वहाँ पे आज शाम को टैक्स रिफॉर्म पे वोटिंग हो सकती है तो उसकी वजह से बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट अमेरिका में खास तौर पे बना हुआ है, तो वो नज़र रखनी होगी। और घरेलू क्यूज अब चुनाव से चुके अब बाहर निकल चुके हैं, तो अब फोकस ऑन बजट और जो तरह तरह की बातें चल रही, तो उसकी थीम पे पकड़ना होगा कि बजट में क्या हो सकता है। रूरल थीम होगी इस बार, समझ रूरल होगी और रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि रूरल गुजरात में चुनाव हारे तो सही है, दो ही कृषि और एम्प्लॉयमेंट इन दो पे फोकस होगा। और अब जो चुनाव की तरह तरह के विश्लेषण चल रहे हैं कि नैतिक हार फलान ढिमकाना, ये सब कुछ ही है एंड ऑफ द डे सरकार किसकी ये मैटर करता है। तो बहरहाल लेकिन संकेत आज भी हमें लगता है पॉजिटिव और सरकार बड़े कदम लेने की तैयारी कर रही है, इसीलिए हमें सेक्टर को लगता है खरीदारी पे फोकस करना चाहिए। तो दो स्टॉक एक साथ बताऊं क्योंकि एक ही खबर पे है, REC और PFC, ये दो ही कि सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। उस फैसले के तहत क्या होगा कि सरकारी कंपनियों के पास जो सरप्लस फंड है, सरप्लस कैश है, उसको एक कंपनी में डाला जाएगा और वो कंपनी नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी, वो होगी REC या PFC, इस तरह कोई कंपनी हो सकती है जिसमें सारा फंड इकट्ठा होगा और ये कंपनियों को जो लेंड करेगी और उसके बदले उनको ब्याज देगी। ये बजट में ऐलान हो सकता है, प्रधानमंत्री की पहल पर ऐसा काम किया जा रहा है और ऐसा एक मॉडल GSFC गुजरात में ऑलरेडी कर चुकी है, तो गुजरात मॉडल ही रेप्लीकेट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अब तक ये सारा पैसा SBI के पास होता था जो उसको रखता था, लेकिन अब नोडल एजेंसी REC को बनाने की बात चल रही है या PFC को भी, तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट इन दोनों शेयरों के लिए होगा, REC PFC के, क्योंकि इनके पास बड़ा फंड आएगा, ये इसको लेंड करेंगे, उसका ब्याज उन कंपनियों को देंगे जिनका फंड है और बीच में इनका कमीशन भी होगा मैनेज करने का। तो इन दोनों कंपनियों के लिए बहुत बेहतर है, पावर सेक्टर के लिए बहुत बेहतर है, खासतौर पर उसको ही फंडिंग की जाएगी, तो इसलिए खरीदारी की सलाह इन दोनों शेयरों में। PFC में 130 रुपये का लक्ष्य होना चाहिए और REC की लक्ष्य होगा 165। बिल्कुल, और ये खबर बहुत बड़ी इसलिए भी है और इसलिए मैंने सोचा कि आज पूरा का पूरा जो फोकस है वो पावर स्टॉक्स पर ही किया जाए और इसीलिए 10 के 10 स्टॉक्स जो हैं वो पावर सेक्टर से किसी तरह का भी सरोकार अगर कोई कंपनी रखती है तो उसको उतारा है। और श्नाइडर इलेक्ट्रिक का ये वो कंपनी है जिसको आज ओपनर का दर्जा दिया है, GETND ये दूसरी कंपनी है जिसको आज टीम में शामिल किया है। ये दोनों स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं और देखिए जिस तरह से नीरज आपको बता रहे हैं कि करीब करीब पौने 8 लाख करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों के पास है, वो नवरत्न कंपनियां हो, ONGC, कोल इंडिया, ये तमाम जो कंपनियां हैं इनके पास इस समय मौजूद हैं जोड़कर देखिए तो। और ये जो फंड है वो अभी म्यूचुअल फंड्स में रखा हुआ था, बैंकों के करंट अकाउंट में रखा हुआ था और सरकार ये कह रही है कि ये फंड जो है वो REC PFC जैसी कंपनियों को आप सब दीजिए और सरकार ही इन कंपनियों की मालिक है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई दिक्कत भी आने वाली नहीं है। और ये पैसा जब REC और PFC के पास आएंगे तो फिर फोकस होगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर। जी हाँ, ये वो थीम है जो बजट में प्ले आउट होता हुआ नजर आ सकता है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया कि देखिए जो कम मार्जिन से जीते हैं वो इसलिए क्योंकि रूरल सेक्टर में दरअसल गुजरात में ज्यादा वोट नहीं पड़े हैं BJP को और इसीलिए अब सरकार इसको दूर करने की कोशिश करेगी। CLSA जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज भी आज यही कह रहे हैं कि रूरल सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, बजट का फोकस रूरल सेक्टर पर होगा, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन REC जो नीरज ने बताया वो तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ही, लेकिन श्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो नंबर आए हैं इस कंपनियों के वो बहुत ही शानदार आए, 135 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, GETND में 228 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जब पूरा 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास नहीं आया, मैं कहता हूं आधा भी आए या उससे भी कम आए, अभी बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ भी अगर आ जाए इन कंपनियों के पास और सस्ता फंड, बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। एक्चुअली बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा चेंज होगा मतलब PSU सेक्टर में। खैर, एक और सरकारी क्षेत्र जहां बड़ा बदलाव होने का ऐलान पहले ही हो चुका है, तो बैंक शेयर होंगे, सरकारी बैंक जिनके लिए रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड की बात सरकार ने करी थी, अनाउंस किया था उसके लिए। अब यह है कि इसी सत्र में संभवतः आज पार्लियामेंट में इसको रखा जाएगा और जनवरी में ये प्लान हो सकता है कि ये बॉन्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो शुरुआत में कहा जा रहा है कि शायद 70,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड के लिए लॉन्च किया जाएगा, तो ये खबर सरकारी बैंकों के लिए बहुत पॉजिटिव। आपको याद होगा जब वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया था कि 2,10,000 करोड़ का रिकैप किया जाएगा, तो उन्होंने एक टाइमलाइन दी थी कि कैसे 2 सालों के अंदर ये पूरा किया जाएगा और इसकी शुरुआत वो करने जा रहे हैं, तो टाइमलाइन मीट कर रहे हैं।
पार्लियामेंट सेशन में रख रहे हैं और शुरू हो जाएगा नए साल से काम, तो बैंकों के लिए बहुत पॉजिटिव खबर। इसलिए हमने दो बैंक शुरू में रखे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे 190 रुपये का लक्ष्य होगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खरीदारी की सलाह होगी और यहाँ पे 180 रुपये का लक्ष्य होगा। बीजीआर और कल्पतरू पावर, ये दो और ऐसी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर्स बनाने का काम काज करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह बिजली के खंभे गाड़ने का काम करती है, और देखिये ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, और वो इसलिए क्योंकि सरकार का फोकस रहा है बिजली के ऊपर और ये फोकस अब ज्यादा होने वाला है। इस बार बजट में एलोकेशन और बढ़ सकता है और हम अब से लेकर बजट तक आपको हर रोज एक ऐसा सेक्टर बताएंगे जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि फोकस जो है देखिए बाजार का वो अब इलेक्शन से हटकर बजट के ऊपर होने वाला है और बजट में कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं ये हम आपको हर रोज बताने वाले। तो आज पावर कंपनियों का दिन है और वो भी क्यों ना, आप देखिए 16,320 करोड़ रुपए की एक प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के नाम से सरकार ने लॉन्च की थी और सरकार ने ये कहा था कि 2018 दिसंबर तक 4 करोड़ फैमिलीज को इससे जोड़ा जाएगा, बिजली वहां पर पहुंचाई जाएगी। और पिछले ही हफ्ते उसकी एक समीक्षा हुई थी कि कितना काम हो गया, तो पाया गया कि ये सारा काम हो चुका है और इस बार और एक बड़ा एग्रेसिव टारगेट सरकार पेश कर सकती है। देखिए इस बार एक्साइज ड्यूटी और ये सारे खेल जो है वो बजट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो जीएसटी में चली गई है। एलोकेशन कौन से सेक्टर को ज्यादा दिया जाता है, कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, किस पर सरकार तवज्जो देती है, इसके ऊपर फोकस होगा इस बार बजट में, और इसीलिए हमें लगता है कि ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। REC PFC तो नीरज की टीम में है, लेकिन ये तमाम ऐसी कंपनियां BGR एनर्जी, कल्पतरू पावर, ये सब अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। GETND इनके ऊपर रखिए नजर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है, और भी कंपनियां हैं इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई जो हमारी टीम में है, लेकिन ये अगले शेयर बताइए। देखिए अगला शेयर एग्री टीम से जुड़ा होगा, जैसा कि आपने पहले इंडिकेट किया था LT फूड्स, और हालांकि खबर इसमें ये है कि इनका जो QIP है उसका फ्लोर पे 79.13 रुपीज रखा है और बिल्कुल उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चूंकि एलटी ने बहुत सारे एक्सपेंशन किए हैं और इनका जो US मार्केट का डबल करने का लक्ष्य है उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसीलिए फंड रेजिंग के प्लान्स चल रहे हैं, और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि तमाम कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उसमें अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और प्राइस करंट मार्केट से बहुत नीचे नहीं है इसलिए कोई बहुत गिरावट की गुंजाइश नहीं है, मैं लगता है अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो LT फूड्स में खरीदारी सलाह होगी, 87 रुपये का लक्ष्य होगा, 80 का स्टॉप लॉस। अडानी ट्रांसमिशन इस पर भी रखिएगा नजर और यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रांसमिशन के कामकाज में ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का ट्रैक रिकॉर्ड भी है इस कंपनी का, और देखिए अब जो अगले 18 महीने हैं वो दरअसल 2019 की इलेक्शन की तैयारी होगी, और उससे पहले जो सबसे बड़ा वादा इस सरकार ने 2014 में किया था वो किया था कि हर घर बिजली पहुंचाने का वादा, और उसको सरकार पूरी करने के लिए हर बड़ा कदम उठाएगी, और जिसमें एक ये बड़ा कदम नीरज आपको बता रहे हैं कि 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो सरप्लस पैसा PSUs के पास पड़ा है ये REC PFC को दे दिया जाएगा, और REC PFC फिर इसको खर्च करेंगे बिजली के प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने में। तो अडानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, और ऐसा दरअसल गुजरात स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज GSFS ये वो कंपनी है जिसने गुजरात में किया है, जिसके चलते इलेक्ट्रिफिकेशन का कामकाज काफी तेजी से हो पाया, तो फिर इसलिए इस सेक्टर के ऊपर नजर होनी चाहिए। 218 के टारगेट के साथ अडानी ट्रांसमिशन को आप अप्रोच कर सकते हैं, और वैसे भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स देखिए कल सुबह सुबह काफी नर्वस थे, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी तमाम शेयरों में देखने को मिली, जैसे जैसे बीजेपी को लीड मिली उसके बाद सरकार भी बीजेपी की बनी है गुजरात में, तो फिर ये वो स्टॉक्स हैं गुजरात सेंट्रिक जहां पर और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। चलिए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा। GM फाइनेंशियल्स होगा हमारा डिपेंडेबल, और इसमें भी खबर निकल के आ रही है कि कंपनी 650 करोड़ रुपए जुटाएगी और इसके लिए बोर्ड की इनको मंजूरी भी मिल गई है। क्या तरीका होगा इस पे विचार चल रहा है, तो कई प्रचलित तरीके उनमें से एक हो सकता है, लेकिन वैसे भी GM फाइनेंशियल्स में हाल फिलहाल में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है और मार्केट जिस तरीके से सपोर्टिव है, बुल फ्रेम में चल रहा है, तो ऐसे तमाम जो मर्चेंट बैंकिंग या ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स हैं उसमें तेजी बन सकती है, तो मैं लगता है इस खबर के चलते इसमें तेजी रहेगी। 164 का लक्ष्य होगा, 147 का स्टॉप लॉस। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज इसके ऊपर भी रखिएगा नजर, केबल बनाने का कामकाज करती है, और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि आज फोकस जो है वो बिजली से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर रहने वाली है, जिस तरह से सरकार एक नया फॉर्मूला के तहत सारी सरकारी कंपनियों से पैसा लेकर PFC REC को देने की बात कर रहा है, तो
फोकस जो है वो बिजली वाली कंपनियों के ऊपर आज रहने वाला है। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज भी केबल्स बनाने का काम काज करती है, वेदांता ग्रुप की बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत शानदार तेजी देखने को मिली है। सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी ये रह चुका है और इस तरह के शेयर आपसे लेकर बजट तक अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। ध्यान रखिए अब प्री बजट रैली देखने को मिल सकती है, कुछ कहेंगे कि ये सेंटा रैली है, लेकिन ये रैली थोड़ा लंबी चलेगी इसलिए हम इसको प्री बजट रैली का नाम देना सही समझेंगे। तो प्री बजट रैली में कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, पावर सेक्टर उसमें से एक हो सकता है, और ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, केबल वाली कंपनियां हैं, ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। 300 के टारगेट साथ अप्रोच करें, 292 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के बाकी के शेयर हम दोनों की टीम्स में क्या है, क्रेड भी बताएंगे, आज का पिंच हिटर स्टॉक भी कौन सा ये भी बताएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और दोनों टीमों में आप छह छह स्टॉक्स देख चुके हैं। चलिए सातवां स्टॉक बता देता हूँ मैं, एक ही थीम पे है, आशापुरा इंटीमेट फैशंस और गूगल दास एक्सपोर्ट। इसको हमने इसलिए चुना है क्योंकि गुजरात के चुनाव के कुछ सबक हैं, वो सबक ये है कि लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रहे, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि अब सरकार टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, इन सब पे बहुत फोकस करें क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा जॉब क्रिएशन उनको करना पड़ेगा। इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पे बजट से लेके अब तक से लेके बजट तक बहुत अच्छी रैली यहाँ बनेगी क्योंकि इस सेगमेंट के लिए बहुत सारे ऐलान किए जाने बाकी। हाल फिलहाल में उन्होंने एक पैकेज भी दिया था लेकिन वो नाकाफी है क्योंकि पूरे देश में आपको ये सब करना है। इसलिए गारमेंट वाली कंपनियों में, रेडीमेड वाली कंपनियों में फोकस करें, 525 का लक्ष्य आशापुरा के लिए होगा, और गोकल दास एक्सपोर्ट पे भी नजर रखें, यहाँ पे भी अच्छी तेजी बन सकती है, 121 का लक्ष्य होगा, 110 का स्टॉप लॉस। फिनोलेक्स केबल्स और केईसी इंटरनेशनल, इन तमाम कंपनियों के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए कल जो चुनाव हुए गुजरात में उसमें साफ समझ में ये आया कि रूरल सेक्टर में कुछ और काम करने की जरूरत है, अर्बन में तो कोई दिक्कत की बात है नहीं जिस तरह से वहां पर वोट पड़े हैं। जाहिर सी बात है सरकार रूरल सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी और एक तरीका जो सबसे सरल है वो है कि हर घर बिजली पहुंचाना, और ये वो फोकस है जो सरकार का हो सकता है इस बजट में। अब ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं फार्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए फर्टिलाइजर कंपनियों पर नजर रखिए, और ये हम आपको काफी दिनों से बता रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। आपने स्टॉक 2020 में लगातार हमारी टीम में ये तमाम शेयर देखे हैं, लेकिन अब जो फोकस है वो उससे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो फोकस होगा बिजली को हर घर पहुंचाना। और ये जो सरकार काम कर रही है, सरकारी कंपनियों का पैसा जो सरकार का खुद का है एक तरह से आप कह सकते हैं, वो एक कंपनी में दिया जाए, REC PFC जैसी कंपनियों में, और उससे खर्च किया जाए, ये वो ऐसी चीज है जो एक बड़ा रिफॉर्म भी कुछ लोग मानेंगे, और इसीलिए ये वो पूरा सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के सत्र में भी और अब से लेकर बजट तक भी। तो KEC इंटरनेशनल पर रखिएगा नजर, फिनोलेक्स केबल्स जैसे स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, यहां पर अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है आज के दिन। आइए अब जानते हैं आज का फ्रीड शेयर कौन सा है। फ्री तौर पर गांधी स्पेशल ट्यूब एक मेटल पाइप बनाने वाली कंपनी, और इसमें बायबैक की खबर है। कंपनी जो है 500 रुपए प्राइस पे बायबैक करना चाहती है और करीब करीब 880,000 शेयर बायबैक करेगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेडिंग के लिहाज से तेजी बन सकती है। 375 का टारगेट होना चाहिए, 342 का स्टॉप लॉस। ओके, एमको एक और ऐसी कंपनी जो फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं आप, मीटर्स बनाने का काम काज करती है, छोटी टिकट साइज का शेयर है, तो इसको फ्रेट का दर्जा दिया है, यहाँ पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। हालांकि ध्यान रखिए ये पोर्टफोलियो वाला शेयर नहीं है, ये ट्रेडिंग वाला शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में अभी भी एक्सपेक्टेशन कम है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अच्छे मूव ये स्टॉक देने के लिए जाना जाता है, और आज भी इसी तरह का दिन हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ पिंच हिटर भी बता दूं, तो फिर पिंच हिटर होगा ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, ट्रिल के नाम से भी आप इस कंपनी को जानते हैं, यहां पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है आज। ये छोटे मझोले शेयर ट्रांसफॉर्मर से जुड़ी हुई कंपनियां, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनियां और पावर सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है, खासतौर पर सरकारी पावर कंपनियां अच्छी रैली दिखा सकती हैं। 40 के टारगेट के साथ यहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं, 35 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। पिंजरा मेरा होगा कृदन इंफ्रा, और इसमें खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने इसमें करीब 895,000 शेयर खरीदे 92 रुपए के भाव पे। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर अगर इस तरह छोटी छोटी कंपनियों में स्टेक ले रही है तो काफी पॉजिटिव इनके लिए हो सकता है। तो परसों भी था ना आपके पर,
परसों एक्चुअली वो ऑर्डर बुक पे ही खबर थी, लेकिन अभी यहाँ देखिए सिंगापुर गवर्नमेंट अगर स्टेक ले रही थी बड़ा सिग्निफिकेंट 110 का लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए 97 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट चलिए तो रखिएगा नजर इन तमाम शेयरों पर, इस नोट पर लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज का कैप्टन्स चॉइस क्या है, और अगर किसी वजह से आज आप देर से उठे हैं तो फिर एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर, आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ब्रेक से पहले नीरज और मैंने आपको बताया वो 10-10 स्टॉक्स, ये रही सूची आपके सामने। नीरज बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स जो ट्रिल के नाम जानता है इस पर रखिए नजर, क्योंकि जो अगर पावर सेक्टर में पूरी थीम डेवलप हो रही तो ट्रांसफार्मर वाले स्टॉक्स को अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है, और यहाँ पे मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम पर नजर डालिए बताइए इसमें कौन सा पसंद है? हमने तो आपकी टीम से क्यू लेकर पूरी पूरी टीम बनाई है, तो REC PFC अगर इन दोनों में से एक चुनना हो तो शायद REC ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, PFC में भी आज रैली देखने को मिलेगी। ये होंगे स्टार्स FNO के आज के सत्र में, तो इसीलिए REC को हम कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहेंगे, जिस तरह से CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर की सरकारी कंपनियों का सारा पैसा यहां पर रखा जाएगा और ये पावर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कर्ज देने का काम करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी, तो फिर ये स्टॉक रह सकता है फोकस में आज के सत्र में। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए आज बजट से जुड़े हुए सेक्टर कौन सा होगा जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है प्री बजट रैली में, उस पर नजर है और उसमें पावर सेक्टर पर रखिएगा नजर, अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अब से लेकर 1 फरवरी के बजट में, इसीलिए श्नाइडर इलेक्ट्रिक्स को टीम में जगह दी है। GTND में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, BGR एनर्जी जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, कल्पतरु पावर अडानी ट्रांसमिशन भी आज टीम में शामिल है, और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को भी टीम में जगह मिली है, फिनोलेक्स केबल्स, KEC इंटरनेशनल, ये कुछ और ऐसे नाम है जो पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर रैली बन सकती है। मीटर बनाने वाली कंपनी एमको में पर भी नजर है, और ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स इंडिया ट्रिल के नाम से भी जाना जाता है ये स्टॉक, ये भी आज के सत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। बिल्कुल पावर सेक्टर की थीम आज रहेगी, तो REC PFC जिनको पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है कि जो सरकारी कंपनियों का फंड होगा सरप्लस वो इनके जिम्मे होगा, तो इसलिए REC PFC में अच्छी तेजी बन सकती है। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी रहे क्योंकि रिकैप जो होना है उसके लिए बॉन्ड की मंजूरी आज संसद में ली जा सकती है और जनवरी में बॉन्ड जारी हो सकते हैं। LT फूड्स का QIP खुला है, प्राइस बिल्कुल CMP के आसपास ही है। GM फाइनेंशियल्स में फंड रेजिंग के प्लान्स चल रहे हैं, आशापुरा इंटीमेट फैशंस और गोकलदास में रखिए क्योंकि लेबर इंटेंसिव में अब बजट से पहले अच्छी रैली बनेगी। गांधी स्पेशल ट्यूब्स में बायबैक की खबर इसलिए तेजी, और किसन इंफ्रा में सिंगापुर सरकार ने हिस्सेदारी खरीदी है। ऑलराइट तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं, इस नोट पर लेंगे एक थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहाँ शुरू करेंगे।